दो दांत है, दो दांत है, क्या मांग रहे हो उसके? साढ़े चार लाख। माशाल्लाह भाई, ये तो वीआईपी सेटअप भी कर दिया यार, रेवो को महका दिया है खुशबू में इन्होंने। मोहम्मद अहमद, आपकी वो गाड़ी को क्या हुआ? इंसिडेंट हो गया। ओए होए, एक्सीडेंट नहीं हुआ भाई, इंसिडेंट हो गया। तो क्या टूट गया उसका? टायर टूट गया भाई। अब क्या करेंगे हम? नया जोड़ देंगे। अच्छा मोहम्मद अहमद, देख रहे हो माशाल्लाह सामने हीट स्ट्रोक कैंप लगा हुआ है, लोग सब शरबत पी रहे हैं, माशाल्लाह पानी पी रहे हैं, वीआईपी सेटअप चल रहा है। भाई इस हीट स्ट्रोक कैंप के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूट करना चाहे, ओपन फॉर ऑल, सही है। आप इस कांटेक्ट नंबर पे जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? मजे में यार। आज का दिन सुपर बिजी प्रो मैक्स होने वाला है। इसका रीजन ये है कि आज के दिन में मैंने अपने काम भी करने, सही है, घर की भी रिस्पांसिबिलिटीज है, जैसे अभी मोहम्मद अहमद को लेके जाना है डॉक्टर के पास, और इसके बाद फिर कुछ वीआईपी सेटअप भी हैं, वो भी आप लोगों को दिखाने हैं, सही है। और फिर अदनान भाई एक दिन के लिए नवाबशाह चले गए, इमरजेंसी कोई काम था, तो उनके भी काम मैंने करने। तो आज के दिन में आपका भाई वन मैन आर्मी है, काम बहुत सारे हैं, तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं और कुछ वीआईपी सेटअप है वो भी आपको दिखाते हैं। आ जाए, क्या चाहिए आपको? वो चाहिए आपको? अच्छा, क्या कर दिया मैंने? मैंने वो पीछे कर दिया। ये नहीं बोलता कि मैंने वो पीछे जोड़ दिया, बोलता आपने पीछे कर दिया। मोहम्मद अहमद बताएंगे अपने डॉक्टर का नाम। क्या नाम है आपके डॉक्टर का? हाँ, डॉक्टर अब्दुल्ला। दोहरा जी पहुंच गए हैं हम, और भाई आधा घंटा रहता है डॉक्टर का क्लिनिक बंद होने में। मोहम्मद अहमद को असल में जो है ना गर्मी दाने बहुत हो गए, सही है। पहले अब्दुल कभी छोटा था, अब्दुल कभी को भी बहुत गर्मी दाने हुआ करते थे, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ फिर अब गर्मी दाने नहीं होते माशाल्लाह उसको। अच्छा, मैं जब छोटा बच्चा था ना तो मुझे भी बहुत गर्मी दाने हुआ करते थे, अब नहीं होते इतने, लेकिन अब मोहम्मद अहमद छोटा है तो इसकी बारी है। क्या बात है भाई, पार्किंग भी मिल गई मुझे बिल्कुल सामने क्लिनिक के। डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचे तो डॉक्टर साहब तो गए हुए थे अमेरिका, लेकिन अच्छा हुआ कि ऑनलाइन क्लिनिक चल रहा था तो व्हाट्सएप कॉल के ऊपर जो है वो कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया, मेडिसिन ले लिए। मोहम्मद अहमद, ये आपकी क्रीम लगानी है अब, सही है? मेरे को दुकान पे जाना है। कौन सी दुकान पे? बिस्किट बंटी चाहिए। हाँ। देख ले भाई, फरमाइश है सुन ले आप बस, सिर्फ इसके साथ बैठ के। मोहम्मद अहमद का मूड जो है ना स्विंग हो गया है, सही है, बिस्किट और बंटी से डायरेक्ट आ गया स्पाइडरमैन पे। भाई ये छोटा वाला निकालो यार। मोहम्मद अहमद आप यहीं खड़े रहना, सही है ना, दुकान के जितना अंदर जाएगा ना मोहम्मद अहमद उतना मेरे लिए मुश्किल होती रहेगी। बस भाई जान मुझे आप यहीं से देखे फारिग कर दें गेट से ही, इसके गले में से ये फंदा निकाल दें यार। ये मसला हो जाएगा। हैं लड़के, तुमने ये स्पाइडरमैन को फांसी में लटकाया था, हैं क्या किया तुमने इसके साथ? हाँ भाई, ये है घर पे हमारे पास ऑलरेडी, इसको रख दो जरा, और अभी आंखें बंद करके खड़े रहो। मोहम्मद अहमद हैप्पी? यार ये जो है ना भैया के लिए भी लेना पड़ेगा, वरना भैया ने जो है ना इसके स्पाइडरमैन पे अटैक कर देना। भैया ने एक और निकाल दो यार। क्या ये स्पाइडरमैन नहीं चाहिए? क्या चाहिए? अच्छा ये चाहिए। भरो जानी, सही से हवा भरो, बिल्कुल वीआईपी कर दो स्पाइडरमैन को। मोहम्मद अहमद अब खुश हो गए, और तो कुछ नहीं चाहिए? चाहिए। ये देखिए भाई, ये देखिए मैं भाग रहा हूँ यार, मैं जा रहा हूँ। मोहम्मद अहमद को घर पर ड्रॉप करने के बाद अब आपका भाई जो है ना मिशन नंबर टू पे आ गया, और वो मिशन नंबर टू कहाँ है भाई, मैं यही ढूंढ रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा। अरे हाय 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 भाई, 35 पिज्जा हैं, गर्मा गर्म खोल के दिखाएं आपको। आह मतलब फुल वीआईपी सेटअप होने वाला है भाई, आ जाएं। अभी तो मैंने खाया भी नहीं और अभी दिल कर रहा है करूं, क्योंकि खुशबू ऐसी आ रही है गाड़ी के अंदर, कोई जालिम खुशबू आ रही है पिज्जा की। ये देखिए भाई, फुल सेटअप जो है ना अभी लोड हो गया। आपको पता है फिर हमारी जो इस तरह की दावतें होती है ना, होती है फुल वीआईपी सेटअप है। और कौन कौन से फ्लेवर है भाई ये आपको दिखाते हैं। चिकन लार्ज पिज्जा, अच्छा ये क्रीमी टिक्का लार्ज है, ठीक है जी। और ये आ गया फिर बारबेक्यू टिक्का, ठीक है जी। और ये आ गया चिकन फहीता लार्ज। ओहो हो, मतलब 70,929 रुपए के पिज्जा थे, 50% डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद कितना हो गया भाई, 40,075 रुपए के सिर्फ पिज्जा हो गए। अभी रुके जरा, सबर करें, अभी आपको जो है ना पूरा सेटअप बताते हैं। हो गई शाम, गिर गया दाम, पिज्जा वाला आ गया है भाई पिज्जा डिलीवर करने के लिए आप लोगों के डोर स्टेप पे। जल्दी हट जाओ सब, रास्ता दो। चले भाई, अब जो है ना हम पहुंच गए हैं दूसरा सेटअप करने के लिए, ठीक है जी। टाइम बिल्कुल कम है, जल्दी भाई भागो 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 भागो, बहुत टाइम शॉर्ट हो गया भाई, बहुत टाइम शॉर्ट हो गया, भागो 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 भागो। भाई ये एक्सप्रेशन तो जो है ना रिकॉर्ड करने बनते हैं यार। मैं जैसे ही दुकान में आया हूँ ना, बच्चा दो मिनट के लिए देखता रह गया। कैसे हैं आप? खैरियत से? ये क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? अरे यार बच्चा जो है ना देख के इमोशनल हो गया यार, माशाल्लाह। आप फॉलो करते हो हमें, सब्सक्राइबर हो,
जबरदस्त यार, बच्चा रो रहा है यार। अरे ये तो यार ऐसा फैन मैंने नहीं देखा यार, जबरदस्त जबरदस्त। क्या नाम है आपका? शाहिद नाम है। यार सीरियसली मैंने बहुत जो है ना सब्सक्राइबर्स देखे, बहुत जो है वो प्यार मोहब्बत करने वाले देखे, लेकिन ऐसा जो है ना हमने हमारा फैन नहीं देखा यार, जबरदस्त। कहाँ से आए आप? मलिकगंज से आए आप। जबरदस्त जबरदस्त। पहली बार आए हमारे आउटलेट पे? अच्छा सेकंड टाइम आए आप। चले बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, ठीक है, थैंक यू। चलो भाई गाड़ी स्टार्ट करो, भागो वीआईपी पॉप्सिकल से। जो ना ये भाई हमने सेटअप सारा लोड कर दिया, सही है यार। मैं तो ये सोच रहा हूँ, अभी तक मेरे दिमाग में यही चल रहा है, जो इस बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, ऐसी सिचुएशन मैंने फर्स्ट टाइम देखी अपने सामने कि कोई बच्चा मिला और विद इन फ्यू सेकंड्स जो है ना उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बच्चे का दिल कितना आईने की तरह साफ है ना, कि जो इसके दिल में था इसकी आंखों ने कुछ ही सेकंड में बयान कर दिया यार। क्या बात, ये वही मंडी का रास्ता है भाई जिसपे हम लोग रोजाना जा रहे होते थे और जो है ना सौदे बना रहे होते थे। अच्छा अभी मैं अगर अपने काम से जल्दी फारिग हो गया ना तो आपको जरा मंडी जाके दिखाएंगे कि इस वक्त मंडी क्या है। यार ये पुचुक 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 की आवाजें आ रही हैं। असल में ये थर्मोपोल के जो डब्बे होते हैं ना इनका शोर बहुत होता है यार। तो अभी जो है ना अगर टाइम मिला ना तो वहां पे जाके जरा मंडी की आपको जो है ना सूरत हाल दिखाएंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि एक महीने पहले क्या सूरत हाल थी मंडी की और अभी कितने जानवर है। इन्हीं गलियों के अंदर हम लोग जानवरों की अनलोडिंग के लिए आया करते थे यार। कभी ऊंट आ रहा था, कभी बछड़ा आ रहा था, कभी बछड़ी आ रही थी यार। क्या यार बकरा ईद की यादें होती हैं यार। और शकील भाई का, जुहेब भाई का, कामी भाई का हदिया तो ले लिया कि? हाँ ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगा कहीं मैं भूल ना गया हूँ। अरे इतने दिनों बाद कामी को देखा है यार, जब हम लोग मंडी के लिए आ रहे होते थे ना उस वक्त कामी नजर आता था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जानी, कैसे हो? खैरियत से हो? थैंक यू सो मच। खैर मुबारक भाईजान, खैर मुबारक। यार कामी ये तो बताओ कि बकरा ईद का बारबेक्यू कैसा बना था यार? वीआईपी था, मतलब अकेले अकेले मजे ले लिए तुम लोगों ने। हैं हाँ यार, मैंने बड़ा मिस किया था वैसे बारबेक्यू, यहाँ का बड़ा वीआईपी बनता है। फिर आपको पता है सलमान भाई बनाते हैं तो बड़ा नेक्स्ट लेवल का सीन होता है। तो भाई आज गली में जैसे ही एंटर हो रहे हैं तो ये भाइयों की मोहब्बत है यार। ओए होए होए, फूल की पत्तियां यार, वेलकम किया जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, ये मोहब्बत होती है भाई, मोहब्बत होती है इन लोगों की, सही है ना। बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं हम इस मोहब्बत की। इस वेलकम से मुझे याद आ गया, एक मर्तबा हम लोग तौंसा शरीफ गए थे, वहां पे भी इसी तरीके से वेलकम किया गया था यार। इन लोगों की मोहब्बत है यार। इतना जबरदस्त इस्तकबाल तो मेरा जो है ना मेरी पहली शादी पे भी नहीं हुआ जब मैं दूल्हा बन के जा रहा था। दूसरी शादी में होगा क्या, कहते हैं आप लोग? कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? अरे अभी तो वो सिर्फ स्टार्टर था, अभी यहाँ पे भी पूल लेके खड़े हैं माशाल्लाह हमारे जुहेब भाई और ये हमारे दूसरे भाई। यार सबको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, मतलब काफी दिनों बाद इन लोगों से मुलाकात हुई ना यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक, थैंक यू सो मच। जज़ाकअल्लाह भाई, जज़ाकअल्लाह, खैर मुबारक, थैंक यू। शकील भाई अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक, खैर मुबारक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह। माशाल्लाह भाई ये तो वीआईपी सेटअप भी कर दिया है यार, रेवो को महका दिया है खुशबू में इन्होंने। तो अब जो है ना आपको मदरसे का विजिट कराते हैं कि देखें भाई ये फ्लोर का जो काम हो रहा था ना ये कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि मजदूरों का बहुत ज़्यादा आना जाना लगा हुआ था। तो अभी टेम्प्रेरी जो मदरसे की क्लासेस हैं वो शकील भाई के घर में हो रही हैं, सही है, ताकि यहाँ पे क्योंकि लेडीज़ होती हैं तो थोड़ा सा जो है ना आपको पता है ना कि पर्दे के मामला तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस होती है, तो कुछ दिनों तक वहाँ पर रहेगा। इसके बाद जैसे ही ये रेडी हो जाएगा तो फिर सब के सब यहाँ आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो है ना हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए, सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये छत भी डल गई है। और अंदर चलते हैं, मज़ीद आपको दिखाते हैं कि क्या क्या अपडेट है भाई यहाँ का, सही है। ये देखें, ये पहला क्लासरूम, ठीक है, दूसरा क्लासरूम और यहाँ पे तीसरा क्लासरूम बन गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त काम यहाँ पे जो है ना हमेशा स्पीड में चलता है अल्लाह के करम से, सही है। अल्लाह पाक बस उनका देना कबूल करे जो लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इन कामों के अंदर। वज़ू खाना नीचे ही है, वॉशरूम्स दो ऊपर बनाए हैं आपने, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये जो है वो लाउंज है और ये लाउंज भी यहाँ पे जो है ना एक्चुअली क्लासरूम का ही काम दे रहा होता है, ठीक है। अच्छा ये कोने में क्या है? कोने में एसी। अच्छा मतलब ये एक्स्ट्रा स्पेस है, ठीक है, इसको हम चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, सही है। और ये एक और सीढ़ी आ गई भाई मज़ीद ऊपर जाने के लिए। तो जुहेब भाई अभी ये जो है ना कितने टाइम में कंप्लीशन, ये मार्बल शार्बल कब आएगा, सारा क्या सिलसिला है? अच्छा कल आ जाएगा। अच्छा अच्छा मतलब अंदाजन कितने दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा? जल्द से जल्द हो जाएगा, मतलब 20-25 दिन में शायद, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें अब आपको जो है ना छत भी दिखाते हैं यार। पहले ये छत हुआ करती थी, अब छत एक और फ्लोर ऊपर चली गई है भाई। ये आ गए भाई हम लोग छत पे, सही है। और हो सकता है कल को यहाँ पे भी कुछ बना दें। वाह भाई वाह, क्या बात है।
जबरदस्त जबरदस्त सही है, क्योंकि पर्दे के मामला होते हैं ना, तो इसीलिए देखें बाउंड्री भी ऊपर की हुई है। अच्छा एक और चीज़ कि भाई हमारे एसी पेंडिंग है, अभी तक एसी इसीलिए ही नहीं लग पाए हैं क्योंकि हमारा जो है ना सेकंड फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर की कंस्ट्रक्शन होनी थी, तो एसी लगाते तो फिर आउटर्स को रिमूव करना पड़ता और फिर सारी डिस्टर्बेंस होती। तो अब इंशाल्लाह जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा तो जोए भाई फिर आउटर सारे यहाँ लग जाएंगे ना, आउटर सारे यहाँ लग जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर बेहतरीन काम हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। चलें भाई अब जो है ना पिज़्ज़ा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे भी बच्चे बैठे हुए हैं, ऊपर भी बच्चे बैठे हुए हैं। तो आज का ये जो वीआईपी सेटअप आप लोग देख रहे हैं ना, ये बाटला फैमिली की तरफ से और इनके दो बच्चे जो कि हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, उनका नाम है जैन और ज़ुबैर, आप लोगों का अल्लाह पाक देना कबूल करे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि देखें लोगों को भी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है ना, कभी कोई यहाँ पे पिज़्ज़ा पार्टी कराता है बच्चों को, कभी कोई एसी दे देते हैं कि भाई मदरसे में लगा दो, एसी मदरसे की कंस्ट्रक्शन के लिए कितने सारे लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, मतलब कितने अच्छे अच्छे कामों के अंदर लोग जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ना, मतलब बहुत सारे काम हो रहे थे, कभी कोई पानी का कूलर लगवा देता है और कभी आर ओ प्लांट लगवा देते हैं, अल्लाह पाक के करम से कितना ज़बरदस्त कामों का सिलसिला चल रहा है यार, ये सोच के बड़ी खुशी भी होती है। क्योंकि देखें हम तो एक वक्त पे आके जो है ना मार्केट से नहीं बल्कि दुनिया से शॉर्ट हो जाएंगे, सही, हर किसी ने शॉर्ट होना ही है, लेकिन ये जो काम है ना ये चलते रहेंगे इंशाल्लाह, मदरसा चलता रहेगा, यहाँ पे तालीम का सिलसिला चलता रहेगा, पानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये चलते रहेंगे, तो बस इंशाल्लाह इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है ना हम सब का जो है ना सवाब भी इंशाल्लाह मिलता रहेगा। निकालो बेटा निकालो पीस, हाँ शुरू हो जाओ, वीआईपी पार्टी है, ठंडा हो जाएगा वरना, सब शुरू हो जाओ। अरे वाह भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त, कैसा है, अच्छा है, मज़ा आया, खुशी देखें बच्चे के चेहरे पे माशाल्लाह। पिज़्ज़ा जो है ना इस वक्त बच्चे खा रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं खा रहा हूँ, मतलब खुशी से जो है ना मेरा पेट भर गया अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे यार शकील भाई आपस की बात है, दिल तो कर रहा है कि जो है ना थोड़ा सा पिज़्ज़ा हो जाए, लेकिन नहीं यार स्लिम रहने की भी कुछ फ़ीस पे करनी पड़ती है भाई हमको। अच्छा ये बताएं शकील भाई कि सबसे शरीफ जानवर कटते वक्त कौन था, जो अच्छा जो 6,25,000 वाला था वो मतलब सबसे शरीफ था कटते वक्त, आए हाय हाय यार वो वाकई बहुत प्यारा जानवर था। अच्छा वैसे तंग आपको किसी भी जानवर ने नहीं किया कटते वक्त, मतलब किसी ने कसाई को पटका नहीं है ना, वाह भाई क्या बात है। बच्चों ये देखो ये जो है ना इस साशे के अंदर है केचप, सही है, आए हाय जब इसके साथ आप लगा के खाओगे ना तो मज़ा आ जाएगा। ये लो ये देखो ये निकाल दिया हमने, सही है, अब आप इसके अंदर डिप करके खाओ तो और मज़ा आएगा। आए हाय 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 ये देखें भाई धुआं निकल आया है बाहर, ड्राई आइस नज़र आ रही है आपको और वीआईपी सेटअप नज़र आ रहा है भाई, वीआईपी पॉप्सिकल्स हैं, क्योंकि फैमिली की ख्वाहिश थी, बाटला फैमिली की ख्वाहिश थी कि बच्चों को पिज़्ज़ा और वीआईपी पॉप्सिकल होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वेरी गुड, ये लो ये लो बेटा ये लो ये लो ये लो, सबको मिलेगी सबको मिलेगी, टेंशन नहीं है, बच्ची को मैंने बोला मैं खोल के देता हूँ आपको, ये लो बेटा इंजॉय करो, सही है। ये देखें भाई ये भी एक कमाल की चीज़ है, ड्राई आइस है, सही है ना, जो कि पिघलती नहीं है, सही है, या तो पिघलती है तो बहुत देर के बाद पिघलती है, धुएं निकल रहे हैं इसके अंदर से। अब जो है ना दूसरा डब्बा खोलने जा रहे हैं हम लोग पॉप्सिकल का, सही है, मतलब बच्चों को आज कमी नहीं होनी चाहिए किस चीज़ की। आए हाय 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 भाई भाई कुछ बच्चे यहाँ पे गली में भी बैठे हुए थे यार, इनको भी वीआईपी सेटअप कराते हैं। ये लो बेटा ये लो ये लो बेटा ये लो आप भी उठा लो, खींचो खींचो ज़ोर से, जान लगाओ जान लगाओ, हाँ ये लो भाई आप भी लो आप भी लो आप भी लो, सही है आप भी लो बेटा। मुझे याद है कि इस इलाके में सबसे पहली पिज़्ज़ा पार्टी जो हुई थी ना उसके कुछ दिन के बाद एक बच्चे ने शकील भाई को आके पता क्या बोला था कि आपने वो जो खिलाया था ना क्या चीज़ थी उस बच्चे को नहीं पता था, लेकिन उसको इतना पता था कि यार बहुत मज़ा आया था, ऐसे ही शकील भाई, शकील भाई ने मुझे जो है ना ये किस्सा सुनाया था यार, यकीन करें उस वक्त मुझे भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें बड़ी नेमतों से नवाजा होता है, सही है ना, लेकिन ऐसे भी इलाके हैं देखें यहाँ पे बच्चों को पिज़्ज़ा के बारे में भी नहीं पता, तो इसीलिए जो है ना खुशी डबल ट्रिपल हो जाती है हमारी जब कभी इस तरह की कोई एक्टिविटी इन इलाकों में होती है। और अब जो है ना हम लोग माच गोट से निकल के आ गए, कौन से मोहल्ले में आ गए भाई, यूसुफ गोट में आ गए, ठीक है, और यहाँ पर एक जो है ना सरप्राइज़ है। तो गुड न्यूज़ जो वेट कर रही थी आप लोगों का वो ये है, माशाल्लाह माशाल्लाह आउटलेट नंबर 4 जो है वो उसकी आज ओपनिंग होने वाली है, सही, काफ़ी टाइम से हम लगे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाईजान, खैरियत से ठीक ठाक हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं। तो भाई ये सारे वो इलाके हैं जहाँ पे लोग पानी के लिए बहुत परेशान हैं, तो इंशाल्लाह अब एक और इलाके के अंदर जो है ये काम स्टार्ट हो जाएगा। देखें आपको प्लांट विज़िट कराते हैं, सही है, ये 4th RO प्लांट है हमारा,
सही है, ये देखें माशाल्लाह जिन्होंने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया। अच्छा, इसमें कंट्रीब्यूट किसी एक भाई या एक बहन ने नहीं किया, इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया है और इसके बाद ये आरओ प्लांट जो है वो तैयार हुआ है। अल्लाह पाक सब लोगों का देना कबूल करे और बस ये जो है ना प्लांट लोगों की खिदमत जो है ना करता रहे बस। कैसे हैं तहसीन भाई? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच भाई, खैर मुबारक। ये भी आपको कुछ कुछ व्लॉग्स में मंडी के जो है ना हमारे साथ नज़र आए होंगे। चलें भाई, तो अब जो है ना इसकी रिबन कट करते हैं। ये एक फॉर्मेलिटी है, बस एक खुशी का इजहार कर रहे होते हैं यार हम आप लोगों के ब्याह पे हम रिबन कट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भाई कट कर दिए, सही है, और फुल माहौल बना हुआ है, इलाके वाले सारे बहुत खुश हैं। ये देखें काफ़ी सारे बच्चे तो जो है ना आज से ही लेके आ गए हैं सारे अपने गेलन वगैरह, तो सब इंशाल्लाह पानी जो है वो यहाँ से भरेंगे। तो अब जो है ना हम आ गए अंदर, ये देखें सारी मोटर वगैरह बैटरी वगैरह सब कुछ। ये सोलर से भी चलेगा? सोलर पे? अच्छा, सोलर पे। सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली से भी और सोलर से भी। अब पहुंच गए हम लोग भाई मंडी में। यार क्या मेमोरीज है हमारी मंडी के साथ, यार कितनी रौनकें हुआ करती थी मंडी के अंदर। देखे यार, अभी देख के मुझे जो है ना बहुत बुरा लग रहा है इस वक्त के। यार देखे कहाँ गए सारे जानवर यार, ये सारी की सारी जो पट्टी थी ना भाई, यहाँ पे बड़े बड़े जानवर नजर आ रहे होते थे। और अभी अंदर ले जाके भी आपको दिखाते हैं, ठीक है, मुझे पता है आप सब लोग देखना चाहते हैं। जब मैं तो चला गया था हज पे, ठीक है ना, लेकिन ये कि शकील भाई और आ रहे थे, है ना, आप लोगों ने तो बहुत सौदे किए हैं रात को भी। हाँ, ये लोग मेरे जाने के बाद भी सौदे कर रहे थे, आपको बहुत मिस किया है, क्या बात है। बल्कि ये लोग बता रहे हैं कि व्यापारी भी पूछते थे कि मुस्तफा भाई किधर चले गए भाई। अभी देखें कुछ जानवर नजर आ रहे हैं और यहाँ पे कुछ जानवर नजर आ रहे हैं, बाकी तो सारा पैकअप हो गया। और ये भी वो खूबसूरत वाले जानवर नहीं होते, ये एक्चुअली कट्टू होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें सामने नजर आ रहे हैं आपको इक्का दुक्का जानवर, क्योंकि ये पूरे साल की भी मंडी होती है, यहाँ पे कट्टू जानवर तो मिलता ही है आपको, सही है। ये देखें सारे कट्टू आपको नजर आ रहे हैं। इधर अली रजा भाई वाले भी बड़े याद आ रहे हैं यार हमको, कितने हमने सौदे किए। अच्छा, मेरे जाने के बाद गुलाम रसूल भाई से इन लोगों ने सौदे किए थे, कितने जानवर लिए थे? तकरीबन चार या पांच। अच्छा, चार या पांच लिए थे ना। अच्छा, ये है भाई अली रजा और का स्पॉट, यहाँ से हमने सबसे ज्यादा सौदे किए थे। यार जल्दी आ जाए यार, 2025 की मंडी के दिन और हम फिर से। हाँ, गुलाम रसूल भाई की जगह वो थी मजर भाई, राडो प्राडो सारे के सारे भाई यहाँ। ये देखें यार अभी भी खोर जो है ना यहाँ पे रखे हुए हैं, सही है, और ऐसा लग रहा है कि बस जानवर जो है ना चुटकी बजाते ही गायब हो गए। अरे भाई कितना प्यारा सा बच्चा है यार, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। यार ऐसे किसी बच्चे का जो है ना शकील भाई सौदा करना है, सौदा करना है और इसको फिर हमने पालना है। कितने लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे कमेंट होंगे तो हम कुछ प्लान कर लेंगे भाई, सही है, और उसको रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी, सही है, बस सही है। आप लोग कमेंट करें फिर हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसा कोई प्यारा सा बच्चा जो है ना हम इंशाल्लाह ले लेंगे, ठीक है, और इसको पालेंगे अगली कुर्बानी के लिए अपनी तैयार करेंगे। और ये कौन बैठा हुआ है? कैप्टन अमेरिका। और कैप्टन मिल गया यार, मंडी वंडी सब फारिग हो गई, कैप्टन यहाँ पे क्या कर रहा है यार? ये हमारी राह देख रहा है, मुझे लग रहा है मोहब्बत के अंदर जो है ना। कैप्टन हाउ आर यू? आई एम फाइन। अरे यार जानी कैसे हो? सही हो गया काम माशाल्लाह, अच्छी सवारियां मिली हैं आपको, चलें जबरदस्त यार, बेहतरीन यार। एक बंदा तो मिला ना मंडी के दिनों का यार हमको। ये देखें ये जानवर जो है ना थोड़ा अच्छा नजर आ रहा है, बछड़ा, ये अच्छा लग रहा है। अरे भाई ये जानवर तो यार VIP नजर आ गया हमको, ये देखें यार माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत जानवर खड़ा हुआ है यार, जबरदस्त यार। इसके रेट मालूम करते हैं कि ऑफ सीजन जो है ना कितने का मिलता है, ज्यादा तो फर्क नहीं होगा लेकिन फिर भी मालूम करते हैं। यार इनके पास तो जो है ना सारे के सारे जानवर ही VIP खड़े हुए, मतलब कोई कट्टू शट्टू नहीं है। ये देखें ये भी VIP है, ये भी VIP है, ये देखें ये भी VIP है, ये भी अच्छा जानवर है, ये भी खूबसूरत है, और ये कट्टू है लेकिन ये भी खूबसूरत है। दो दांत है? दो दांत है। क्या मांग रहे हो उसके? साढ़े चार लाख। इसके भी साढ़े चार लाख? कुर्बानी का बचा हुआ है। साढ़े चार लाख, ये तो मंडी के दिनों में भी इतना महंगा जानवर नहीं था जितना ये अभी बेच रहा है भाई। लेकिन बात वही है, इसने बोला कुर्बानी के बच्चे में बिके नहीं है यार, अल्लाह पाक इसके लिए आसानी का मामला करे और इसके जानवर बिक जाए जल्दी। शाम के इस वक्त 4 बज रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके भाई ने बहुत सारे काम अकेले ने कर लिए, ठीक है, और कॉल्स का भी सिलसिला चलता रहा। कॉल्स जो होती है ना ये भी इंसान को मेंटली बड़ा थका देती है यार, हालत खराब हो जाती है, इतने सारे काम चल रहे होते हैं, फॉलोअप करना, इधर फॉलोअप करना, उधर फॉलोअप करना, और अब जो है ना बस कुछ खापे शापे का टाइम हो गया है, सही है, बहुत भूख लग रही है, भूख से हालत टाइट हो रही है। ये आ गया भाई अपना सेटअप, सही है भाई, खीरा काफी है, अब जो है ना चिकन डाल दें, एक फ़ैता फ्लेवर की और एक शाही टिक्का फ्लेवर की,
और कम करें हाँ बस ये काफ़ी, और थोड़ी सी मैक्रोनी। तो भाई ये हमारा खाना आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा स्पून्स भी लगा दिए ताकि आप लोग भी आ जाएं और मेरे साथ एंजॉय कर सकें। और अब जो है ना बस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये हम लेते हैं पहला निवाला। मजा आ गया भाई अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खाने के बाद आपके भाई का दिमाग चलने लगा, और दिमाग पता है क्या बोल रहा है, दिमाग बोल रहा है बेटा तुमने बहुत काम कर लिया है आज, तुम अब जाओ घर पे, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, और थोड़ी सी एनर्जी गेन करो ताकि कल जो है ना अपनी YouTube फैमिली के साथ दोबारा नए व्लॉग में मिल सको। तो भाई जाते हैं, आराम करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यही काम कीजिएगा, बाकी सारे काम बाद में। सही है, अस्सलाम वालेकुम।